मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल का त्रिवेणी संगम बताने पर बयानबाजी और सियासत अब शुरू हो चली है। मुख्यमंत्री शिवराज के बयान के थोड़ी देर बाद ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कह दिया कि शिवराज चौहान चाहें तो प्रधानमंत्री को अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत मंगलवार को राजधानी भोपाल में गरीब कल्याण सम्मेलन से हुई। दरअसल सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक महान नेता की दूसरे के साथ तुलना करना सही नहीं है, यदि फिर भी करना पड़े तो केवल गांधी जी ही नहीं नरेंद्र मोदी में तो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल का त्रिवेणी संगम दिखाई देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भारत के लिए भगवान का वरदान भी बताया। वही मुख्यमंत्री ने अपनी बात को विस्तार से बताते हुए कहा कि गांधी जी की तरह हाथ में झाड़ू लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वच्छता से जोड़ा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसीलिए वे सुभाष चंद्र बोस के जैसे हैं। देश की एकता के लिए अनुच्छेद 370 को रद्द करके कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ जोड़ने के लिए वह सरदार पटेल की तरह दिखाई देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह दावा किया है कि उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी बार गए उतना कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं गया है। उन्होंने वहां अलगाववाद की भावना को समाप्त किया। उन्होंने मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान और मैन ऑफ डायनेमिक आइडियाज भी बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीति का एजेंडा इतना बदल दिया है कि कांग्रेस भी चुनाव के लिए एक परिवार एक टिकट का मानदंड अपनाने के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री ने कहा ये एक चमत्कार है जिसे केवल मोदी ही कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार सुमित्रा वाल्मीकि के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने कभी टिकट मिलने की उम्मीद नहीं की थी और न ही टिकट मांगा था। उन्होंने कहा ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अंतिम पंक्ति में खड़े नेता को भी उनकी सेवाओं के लिए पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है या ऐसा संगठन नहीं है जहां केवल बड़े चेहरों को ही टिकट दिया जाता हो। वहीं इसके थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को लेकर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल को मोदी जी को अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के गलत आंकड़े पेश कर रही है। कमलनाथ ने कुछ जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य होने का दावा भी पेश किया है। बहरहाल एक बार फिर से कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हो चले हैं और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। बताते चले कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल का त्रिवेणी संगम कहा तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जवाब देने में देरी नहीं की। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज चाहे तो प्रधानमंत्री को अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव का शोर मचने लगा है, लिहाजा बयानबाजी का दौर भी जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।